तो हे गाइस, वेलकम बैक माय एमजी एडिटिंग टिप्स। तो आज की जो अपन को टिप्स मिलने वाली है आपको, वो है टॉप 5 पिक्सार से फोटो कटिंग कैसे करनी है, बैकग्राउंड को कैसे गायब करना है, वो भी इजी कट है गाइस। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना गाइस, और बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता दूंगा कि कैसे है, फर्स्ट टिप कैसी करनी है, सेकंड कैसे, थर्ड कैसी, फोर्थ कैसी, फिफ्थ, सारी टिप्स देता रहूँगा गाइस आपको। तो उससे लिए गाइस, आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे मेरी जो भी मेरा चैनल कॉन्टैक्ट है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। उसकी नोटिफिकेशन से आप वो चीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइस, विदाउट मोर वेस्टिंग टाइम सीधा वहीं चलते हैं वीडियो के लिए। तो अपन आ गए अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ से सीधा अपन उठा लेते हैं पिक्सार्ट को। ये अपना प्रीमियम वाला पिक्सार्ट है, अगर आपको भी ऐसा डाउनलोड करना है गाइस, पर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका क्या प्रोसेस है। यहाँ से अपन ने सिंपली एडिटिंग पे क्लिक कर दिया है, एडिट फोटो पे। यहाँ से अपन ये फ़ोटो उठा लेते हैं। यहाँ से अपन को इसको, ये मैं स्टेप आपको पहला बता देता हूँ, टूल्स में जाके फ्री क्रॉप का है, क्रॉप के पास में फ्री क्रॉप का। यहाँ से अपन पहले आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये पर्सन अगर सेलेक्ट करो इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। अब इसको आप करना चाहो तो आप सिंपली कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से करना है तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। ब्रश लेके यहाँ से इसकी साइज़ कम ज़्यादा सब कर सकते हो, और उसके बाद अपन ये वाला भी उठा सकते हैं। यहाँ से ऊपर कैमरा में देख के अपने हिसाब से पूरा कट कर सकते हैं जैसा आपको करना हो। अब अपन बता देते हैं सेकंड नंबर, ये कट आउट का आ रहा है, ये सेकंड है। यहाँ से अपन, या वही है, यहाँ से अपन पर्सन से भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कैसा लगेगा कटने के बाद। इसको आपको ऐसे मिटाना हो, इरेजर लेकर साइज़ वाइज को अपने हिसाब से रख के इसको पूरा मिटा सकते हैं जैसे आपको चाहिए, नहीं तो वो पहले ही वाले आउटलाइन करके। और इसको आप अगर ऐसा आउटलाइन करके ऐसा आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ से ये देखो, फिर आप अपने आप हिसाब से ऐसे कर सकते हो, देख के नहीं देख के कहाँ से ब्रश देना है, कहाँ से ऐसे मिटाना है। तो अब चलते हैं अपन तीसरी टिप्स की तरफ। तीसरी टिप्स आओ, यहाँ से ड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ से आप इरेजर पे ले सकते हैं। यहाँ से इरेजर से पहले तो आपको लिंक कॉपी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से इसको डाउनलोड करके इस लिंक को बंद करके हाइड करके यहाँ से इस लिंक को ऐसे, यहाँ से आप अपने हिसाब से साइज़ बढ़ा सकते हैं, ऐसे इरेज हो जाएगी ये पूरी। और ये बहुत अच्छी इरेज होती है, HD इरेज होती है ये, मैं खुद यही इरेज करता हूँ। तो इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पर आप भी यही करना, इससे बहुत अच्छी फ़ोटो बनती है। अब मैं आपको चौथा बता देता हूँ। यहाँ से अपन ऐसे ऐड फ़ोटो पे जाके अपन को जो फ़ोटो, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर जो अपन को जो फ़ोटो लगानी हो वो ऐसे फ़ोटो उठा सकते हैं। मैं आपको कोई और उठा के बता देता हूँ। ये फ़ोटो अपन ने उठा ली, जैसे इसका बैकग्राउंड इरेज करना है तो यहाँ पे कट आउट का दिख जाएगा आपको, यहाँ से वही है, आप पर्सन को क्लिक करके कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके कहाँ का वाइट आ रहा है, तो वो आप इरेजर भी कर सकते हैं आराम से, इजीली दिख रहा है गाइस आपका, ऐसे कर सकते हैं। ये भी हो सकता है इसमें, नहीं तो आप यहाँ से इरेजर पे क्लिक करके आप कुछ जैसे कट करना है, कुछ जैसे कट करना है सिंपली कट कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस बढ़ा के देखो कट हो रहा है, तो सिंपली कट भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। यही था आज के अपनी वीडियो में 5 टिप्स का, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चैनल कॉन्टैक्ट आपको जरूर मिलता रहेगा यहाँ पे, और वो भी नोटिफिकेशन पे बहुत जल्दी। तो इसलिए गाइस,
और गाइस अगर कोई भी आपको दिक्कत हो इस वीडियो से, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और आप मुझे बता भी सकते हैं कि क्या आपकी डाउट है, फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।